बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचकूला में वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमारे सर्वे किया गया हमारी ओर से, तो पता चला कि वोटर या तो पते पर मौजूद नहीं है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। 20% वोट जो है वो जाली है। डोर टू डोर सर्वे में ये सामने आया कि जिन लोगों की डेथ 8 साल 9 साल पहले भी हो चुकी है, वो भी अभी मतदाता सूची के अंदर है। हमारी ये अप्रिहेंशन है कि ये जो लगभग 4000 वोट केवल 23 बूथों के अंदर और लगभग 230 बूथ हैं, तो एक विधानसभा के अंदर 40,000 वोट जो अनअकाउंटेड है, अनआइडेंटिफाइड हैं, वो बने हुए हैं। 40,000 वोट किसी भी विधानसभा के परिणाम को पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं।